एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फूडी चैनल। मैं हूं रुपेश और मैं आज आपको लेकर आया हूं नवसारी में विंटेज ढाबा में, जो कि अभी यहां नया नया चालू हुआ है। बाहर से तो ये काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा यहां का लोकेशन पूरा। तो गाइस, चैनल के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अब मैं यहाँ का लोकेशन समझा देता हूँ, जो कि काफ़ी सी है। आप गांधी स्मृति से नेशनल हाईवे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको बीच में मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं जाना है आपको, गांधी स्मृति से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में ही है। तो सो गाइस, अंदर चलते हैं, मैनेजर से मिलते हैं। आर यू रेडी वॉचिंग माई वीडियो? लेट्स गो प्ले। तो गाइस, ये है विंटेज ढाबा के मैनेजर, इनसे मिलते हैं, इनका नाम जानते हैं और इस ढाबा के बारे में भी कुछ जानते हैं। तो सर, इस आप सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को आपका नाम बताइए। हाय गाइस, मेरा नाम नरेश है। इस ढाबे को चालू किए हुए 5 महीना हो गए हैं। हमारे यहाँ काठियावाड़ी, पंजाबी एंड चाइनीज़ मिलता है। सो गाइस, आपने सुना है यहाँ पर आपको तीनों टाइप का वेराइटी मिलेगा, जो कि काफ़ी मज़ा आएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप नवसारी, अमलसाड़, गंदेवी, वापी आसपास में कहीं पे भी रहते हो तो आपको यहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए। आप यहाँ पे आओगे तो आपको एकदम नेचुरल जैसा लगेगा, खाने के फूड को आप अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकोगे। तो ठीक है गाइस, मैं अभी आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं ये ढाबा का यहाँ पर गार्डन बनाया है छोटा सा। आप शाम के टाइम पर आएंगे तो यहाँ काफ़ी अच्छा लगेगा, बच्चे लोग यहाँ पर खेल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ नरेश भाई के साथ। आइए नरेश भाई, अंदर चलते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे एक तो टोटली ढाबा को देसी के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ पे आपको आराम से बैठ के देसी स्टाइल में खा कर फूड को एंजॉय कर सकते हैं। अभी मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट बनाया गया है। यहाँ पे आराम से 12 लोग बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ एंजॉय करना है तो यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा पार्ट है, वहाँ पे भी आप 12 जन आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। अभी मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ व्यू। सो नरेश भाई, बताइए यहाँ पे कितने लोग बैठ सकते हैं आराम से? 60 to 65 लोग बैठ सकते हैं। अच्छा, अगर आप कुछ पार्टी करना चाहते हैं या पूरी फैमिली के साथ, बिग फैमिली के साथ आना चाहते हो तो भी आप इंजॉय कर सकते हो। तो गाइस देखिए, यहाँ का ढाबा काफ़ी बहुत ही बेहतरीन और सुंदर बनाया है। तो चलो, अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के किचन की ओर। ठीक है, तो गाइस देख सकते हैं आप, हमारा सारा ऑर्डर आ चुका है हमारे पास। हमने ऑर्डर किया है, ये है पनीर तवा, इसका प्राइस है 160 रुपीज़। ये हमने पंजाबी में ऑर्डर किया है। ये हमने चाइनीज़ ऑर्डर किया है, पनीर 65, इसका प्राइस 150 है। ये है दाल फ्राई, ये आया है 90 रुपीज़ का।
यह है जीरा राइस, इसका प्राइस है 110। और हमने ये घी वाली रोटी लिया है और ये हमको 15 रुपये में पड़ा है। ठीक है गाइस, सारा प्राइस मैंने आपको बता दिया, अब इसको हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टर से चालू करते हैं। देख सकते हैं ये काफ़ी प्यारा दिख रहा है, इसमें इन्होंने स्प्रिंग ऑनियन भी दिया है। तो गाइस इसको चालू करते हैं पहले। ये एक डिश में मैं इसको ले लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं आप, पास से देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। टेस्ट करते हैं पहले। बढ़िया, मैं सॉस का बैलेंस उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है और जो इसका मसाला तैयार किया है वो भी काफ़ी अच्छा है, बढ़िया। और इन्होंने गार्निश करने के लिए, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा गार्निश किया है। और इसमें हरा प्याज से गार्निश करने के लिए इन्होंने हरा प्याज भी यूज़ किया। तो गाइस ये पनीर 65 तो मुझे काफ़ी पसंद आया, मैं आपको अभी चेक कराता हूँ। यहाँ का तवा फ्राई देखिए, पास से देखिए। तो इसको मैं थोड़ा सा एक डिश में ले लेता हूँ साइड पे। हमने लिया था घी वाली रोटी, ये भी मैं ले लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं ये रहा पनीर तवा तवा फ्राई, इसको मैं इसमें डिप कर लेता हूँ। और बहुत बढ़िया लग रहा है, इसमें जो इन्होंने आग का जो फायर किया था ना, उसका वजह से ये काफ़ी मज़ा आ रहा है खाने में। और इसके ऊपर इन्होंने पनीर का थोड़ा सा पनीर और चीज़ का भी इन्हें गार्निश किया है, वो भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एक बाइट और लेता हूँ। बहुत बढ़िया स्वाद, इसको भी साइड पर करते हैं। देख सकते हैं ये रहा जीरा राइस, अभी मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ। ये रहा हमारा दाल फ्राई। अगर आप ढाबा में आ रहे हो और दाल फ्राई ट्राई नहीं कर रहे हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो गाइस मैंने इसमें चावल के साथ इसको डिप करके खाता हूँ, देख सकते हैं दाल फ्राई है ना, बहुत ही अमेजिंग बना है। और राइस भी अच्छे से कुक हुआ है, जीरा की वजह से इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है। ओवरऑल सब कुछ बहुत बढ़िया लगा। मैं तो आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग इधर पे आओ, अगर नहीं आए तो आपको नवसारी का सबसे अच्छा स्वाद यहाँ पे खाने को मिलेगा। सब कुछ एकदम अच्छा क्वालिटी का है और रेस्टोरेंट ये ढाबा काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ़ सफाई एकदम मेंटेन किया हुआ है, बच्चे लोग के लिए गार्डन भी है। तो गाइस मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मेरे बच्चे लोग से पूछते हैं उनको कैसा लगा, चलो मैं उनके पास लेके चलता हूँ। सो गाइस हमने जितना ऑर्डर मंगाया था सब खत्म हो गया, हम लोग ने खाना ना खाया और यहाँ के गार्डन में बैठे हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर। अब हो गया निकलने का टाइम, पर निकलने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग भी फैमिली के साथ आओ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लोकेशन में है, थोड़ा शांति भी है, सिटी से थोड़ा बाहर है। तो चलो मिले, मेरे साथ बच्चे लोग बैठे हैं, इनको पूछते हैं इनको कैसा लगा। बताओ मन, आपको यहाँ कैसा लगा? ये मुझे रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगा, ये गार्डन अच्छा लगा और खाने का बहुत रेसिपी बहुत अच्छा बना है। वाह मन भाई ने तो बहुत अच्छा बोला, तो ऐसे से पूछते हैं, ऐसे बताओ। मुझे खाने में सभी आइटम बहुत ही अच्छा लगा और खासकर वेज पनीर 65 मुझे बहुत ही अच्छा लगा और सब बढ़िया था। सो गाइस चलो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ, बट जाने से पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद जो बेल बटन आता है उसको प्रेस करिए और उसको ऑल करिए, उससे हमारा आने वाला वीडियो सबको मिलते रहेगा। और आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको यहाँ नीचे मिलेगा। ठीक है गाइस, तो फिर मिलेंगे नए ऐसे ही अच्छे रेस्टोरेंट के साथ, अच्छी जगह अच्छी प्लेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।